ठीक है, ये सोच निदान जो है सिमिलर है आपके राजा छमा के, ठीक है। सोच निदान आपका चिकित्सा स्थान में नहीं आएगा, बाकी चैप्टर आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ सोच निदान की जगह दो चीज चैप्टर दे रखी हैं सिमिलर जो है राजा छमा और दूसरा छत्रछीन। तो राजा छमा जो है वो स्पेशली सोच निदान का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो देखा है यहाँ पे कि कोष्ठ कुष्ठ और सोच दोनों कृत युग में एक साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और इसलिए कुष्ठ के बाद राजचमा या पर सोच को कहा गया। इसके नीचे देखोगे तो देखो इसमें लिखा है कि तथ्य सुश्रुत ने बताया है कि अनेक रोग अनुगतो बहु रोग पुरोगम। आगे वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, दुर्विवेग्यो दुर्निवारम सोसो व्याधि महाबलम, ठीक है। कष्ट देने वाली होती है और चिकित्सा, इसका चिकित्सा करना भी बड़ा कष्टदायक होता है, ठीक है, और शोषो व्याधि महाबलम और शोष करने वाली होती है। संशोषणम रसादीनाम, संशोषण कर दिया किसका, रसादि धातुओं का संशोषण, शोषण कर लिए, शोषण करने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, शोष स्थिति भी देते हैं, क्योंकि रसादि धातुओं का शोषण करती है इसलिए इसको शोष कहा जाता है, ठीक है। क्रिया क्षय कर्म क्षय मेति उच्यते, और ये क्षय करती है शरीर में इसलिए इसको क्षयवी रोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये श्लोक चालू हो गया आपका यहाँ से चरक का, कि इहम खली चत्वारी सोसम आयतनानी। आयतन किसका पर्याय है, आयतन आपका निदान का पर्याय है। तो ये चार प्रकार के होते हैं आयतन मतलब, ठीक है, जो सोस है वो चार प्रकार है, प्रकार का पर्याय है, निदान का पर्याय है, ये आयतन के संदर्भ में आता है, ठीक है। तो चार प्रकार के आपके सोस बताए हैं आयुर्वेद में, चार प्रकार के होते हैं, उसका चोस का मतलब कारण जो है वो चार प्रकार का बताया, या फिर उसके प्रकार भी बोल सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं वो चार प्रकार कौन कौन से हैं, साहसजन्य, संधारणजन्य, क्षयजन्य और विषमासन। तो आपको सोस के चार कारण हो गए, या चार कारणों की वजह से एक सोस होता है, उसके वो चार कारण कौन कौन से हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप साहस कर रहे हैं उसकी वजह से आपको सोस हो सकता है, अगर बेगों का संधारण कर रहे हैं तो भी सोस होने की पॉसिबिलिटी है, अगर धातुओं का क्षय हुआ है तो भी शोष का कारण है, और विषमासन अगर आपने आहार विहार ही विषम तरीका से किया है तो भी शोष का कारण बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो साहस की व्याख्या, साहस है क्या चीज, ठीक है। साहस के संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि यदा पुरुषो दुर्बलो, अगर कोई पुरुष दुर्बल है, यदा पुरुषो ही दुर्बलो सन बलवता सह विग्रहति, ठीक है, और उसके साथ बलवान कोई युद्ध कर रहा है, या बलवान उसके साथ, ठीक है, उसके सामने खड़ा है, उसके युद्ध कर रहा है, या फिर कोई और ऐसा बलपूर्वक कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अधिक साहस की वजह से आपको शोष होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ऐसे काम कौन से हैं जिसमें बल लगाना ज़्यादा पड़ रहा है, अति मेहता व धनुषा, धनुष को उठाना, जलप्यति वाप्यति मात्रम, अधिक मात्रा में जल में तैरना, ठीक है, अधिक मात्रा में भार को उठाना, अपसु व प्लवते अति दूरम, ठीक है, दूर की वस्तुओं को दूर तक चल के जाना, तैर के जाना, उच्च साधन उपघात, मतलब जो भी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में काम कराने के लिए प्रेरित कर रही हैं, वो सब किसकी श्रेणी में आएंगे, साहस की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो बस इस याद रखना आपको साहस का मतलब क्या है, बाकी ये याद रहेंगे अपने यहाँ याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा उससे, तस्य और छत उपलब्ध, जैसे ही अधिक मात्रा में आप सांस वाला काम करेंगे तो और प्रदेश में छत हो जाएगा, और छत होने की वजह से क्या है, वायु उपलब्ध, वायु वहाँ आ जाएगी, ठीक है। तत्र अवस्थितम श्लेष्मणम और उपसंसर्गम पित्तम, और ये वायु जो है जो छत की वजह से वहाँ उत्पन्न हुई है वो क्या होती है, कफ के साथ और पित्त के साथ मिल जाएगी, ठीक है, और कफ और पित्त के साथ मिलकर देखो क्या लिखा है, दूषयन बृहत्तम ऊर्ध्वाधय तिर्यकस्य, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों तरफ गमन करेगी, ऊर्ध्व भी गमन करेगी, अधय भी और तिर्यक भी, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधय तिर्यक जो देख के आप रक्त पित्त मत कर देना इसको, ये जो है किसके संदर्भ में है, आपके सोस के संदर्भ में, ठीक है। तो ये लाइन जो है लास्ट वाली वो इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वाधय तिर्यक करके हम रक्त पित्त इसका आंसर कर देते हैं, परंतु ये किसका है,
ये आपका सोर्स का है। नेक्स्ट देखिए कि साहस जन्य यस्मा के लक्षण क्या होंगे। देखिए सबसे पहले जो दोष हैं वो कहाँ गए, शरीर संधि नाम भी सिद्धि, शरीर की संधि हम चले गए। जब शरीर की संधि हम चले जाएंगे तो ये क्या लक्षण उत्पन्न करेंगे, जरम्बा अंगमर और ज्वर। ध्यान रखना अगर शरीर की संधि में गए तो जरम्बा अंगमर्द और ज्वरस्य उपजायते, ज्वर उत्पन्न होगा। अगर ये कहाँ गए, आमाशय में गए, ठीक है, तो आमाशय में जो रोग उत्पन्न करेंगे वो क्या करेंगे, अरोचक, ठीक है। अगर ये कंठ में गए तो क्या उत्पन्न करेंगे, कंठो उस्तेन उद्ध्वंसे, स्वरस्य अवसिद्धि, स्वर उसका कम हो जाएगा और कंठ में कंठोद्देश हो जाएगा, ठीक है। प्राण वैसे उसमें गए तो श्वास कास प्रतिसाय, श्वास प्रतिसाय रोग उत्पन्न करेंगे, ठीक है। सिर में गए तो सिर को भारी, सिर में भारीपन कर देंगे, ठीक है। तत् क्षणन उर्सो, अगर उर में छत हो गया तो उसकी विषम गति से वायु प्रकोपित होगी और वो वायु अपने अपने लक्षणों में जिन स्थान में जाएगी उस जगह अपना लक्षण दिखाना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कौन से प्रदेश में जाने से कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट लाइन है, बल समाधानी शरीरम, ठीक है। और इस पैथोलॉजी में या इस प्रकार में आपको शरीर का जो बल है वो ही इसका समाधान है। जितना बल अच्छा हो जाएगा आपका तो ठीक रहेगा पेशेंट, जितना बल कम होगा, ठीक है, उसको अच्छा उतना ही तीव्र गति का होगा। और शरीर मूलम से पुरुषम, शरीर मूलम पुरुषम इति, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि पुरुष शरीर के आधार पर ही रहता है और शरीर का जो बल है वो ही उसको बचा सकता है उसके यक्षमा होने से, ठीक है। तो आगे लिखा है, सासम वर्जयेत कर्मम रक्षम एव आत्मनम, ठीक है। सास को वर्जित करना चाहिए, अधिक सास नहीं करना चाहिए और शरीर की उससे रक्षा करनी चाहिए। जीवनम ही पुरुषम इष्टम कर्मणम फलम मनुष्य, छोड़ दो इसको, लास्ट में देखो, संधारणम शोष आयतनम इति यद उक्तम अनुव्याख्या, छोड़ दो इसको भी। नेक्स्ट पैथोलॉजी देखो, संधारण की व्याख्या। तो पहली जो पैथोलॉजी थी वो थी आपकी अधिक साहस की वजह से, नेक्स्ट है जो संधारण की वजह से, संधारण मतलब वेग जो है उनको संधारण करना, ठीक है। तो वेगों को संधारण कौन करता है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, समीपे व गुरु, गुरु के जो समीप बैठा हुआ है, ठीक है, राजपुरुष के समीप बैठा हुआ है, गुरु के समीप बैठा हुआ है, स्त्रियों के बीच में बैठा हुआ है, ऐसा आदमी हमेशा वेगों को धारण कर लेता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होती है, वायु प्रकोपित हो जाती है। आगे दे रखा है, यह प्रकोपित वायु पित्त और श्लेष्मा के साथ मिलके, वही पैथोलॉजी जो पहले बताई थी, समूदीर जो ऊर्ध वधे त्रियकम चक्रिय थी, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, पहले सेम ही है, सेम कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। और उसके लक्षण क्या उत्पन्न होंगे, तत्र विशेषण पूर्वम शरीरम अवयव विशेषा प्रवेश्यम शूलम उपजनयति, उसमें शूल नहीं था इतना शूल आ गया, ठीक है। और भिन्नती पुरुषम उस शोषयति, भिन्नती पुरुषम मतलब अतिसार की कंडीशन बनेगी इसमें। तो संधारण जन्य राजयस्मा में शोष में आपको लक्षण मिलेगा भिन्नती पुरुष, अधिक मात्रा में मल का निकलना। पार्श्वे च अतिरुजि, पार्श्व में रुजा होगी। अंश अवमर्दम, तो अंश ताप होगा। कंठोर अवधमति, कंठ में आपका कंठ ठीक नहीं रहेगा। और सिर उपहंती, तो सेम लक्षण है, ठीक है। काश ज्वर, ज्वर सर्वेद प्रतिसाय, ये सब कॉमन है, बस आप इस वाले में आपको याद रखना है भिन्नति पुरुषम, ये इम्पोर्टेंट। और शूलम उपजनित, ठीक है। लास्ट में देखो, तस्मात पुरुषो मतीन आत्मनम शरीरेश योगक्षेम प्रत्येर, तो इसमें आपको योगक्षेम क्रिया करनी चाहिए। संधारण छन्न राजयस्मा है उसमें विशेष करके योगक्षेम जो प्रक्रिया है उसको कराना चाहिए। आगे लिखा, शरीर यस्य मूलम शरीर मूलस्य पुरुषो भवति, ठीक है।
तो योग क्षेम का मतलब क्या है, देखो टीका में लिखा हुआ है कि अलब्ध लाभो योगम और लब्धस्य परिरक्षणम, जो चीज हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करना योग है, ठीक है, और लब्धस्य जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम है। तो योग क्षेम की प्रक्रिया में क्या है, जो चीज हमारे पास नहीं है उसको तो प्राप्त कर लेना और जो चीज है उसकी रक्षा करना, ठीक है। तो इसलिए योग क्षेम की प्रक्रिया, योग क्षेम चिकित्सा यह है, वो किसने बताई हुई है, ये आपके संधारण जन रहस्य में बताई हुई है, इसको याद रखना आप। आगे लिखा, सर्वम अन्यत परित्यज्यम शरीरम अनुपालयेतुम, सभी चीजों को छोड़कर बस केवल शरीर का अनुपालन करना चाहिए। तद अभावे भवानाम सर्वाभाव शरीरणाम, ठीक है, अगर शरीर का अभाव हो गया तो सब चीज बेकार है, ठीक है, सभी चीजों का अभाव हो जाएगा फिर, इसलिए हमेशा शरीर का अनुपालन करना चाहिए। तीसरी पैथोलॉजी है आपकी धातु क्षय राजयक्ष्मन, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, धातु क्षय किसकी वजह से होगा, तो धातु क्षय दो तरह से होता है, ठीक है, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय, ठीक है। तो पुरुषम अतिमात्रम शोक चिंता परिगत हृदयम, जो रोगी शोक चिंता में डूबे हुए होते हैं, ईर्ष्या करते हैं दूसरों से, क्रोध करते हैं, भय करते हैं, ये सब कारण क्या है, वो धातु क्षय के कारण है, ठीक है। कृशोभासनम रूक्ष अन्नपान का सेवन करते हैं, दुर्बल है प्रकृति से ही, अल्प आहार का सेवन करते हैं, ये सब कारण भी आपके धातु क्षय राजयक्ष्मा के हैं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। संप्राप्ति में देखो इसकी में लास्ट लाइन, ठीक है, तस्मात पुरुषो मति पति आत्मनम शरीरम अनुरक्षित, शरीरम अनुरक्षितम शुक्रम अनुरक्षित, ठीक है। जो क्षयजन्य जो शोष है, मैंने जो बताया था आपको, दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक तो अनुलोम और एक प्रतिलोम, ठीक है। और इस कंडीशन में जो कि क्षय की वजह से हुआ है, ठीक है, प्रतिलोम, जैसे मान लीजिए कोई आपने निदान सेवन किया और निदान सेवन की वजह से धातुओं का उत्तरोत्तर क्षय हो रहा है, पहले रस का क्षय हुआ, फिर मांस का, फिर मेद का, ऐसे शुक्र का क्षय हुआ, तो ये जो श्रेणी जो ट्रीटमेंट वो टाइप जाएगा वो अनुलोम क्षय में जाएगा। प्रतिलोम में कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए अति मैथुन की वजह से शुक्र का क्षय हुआ, अब शुक्र की क्षय की वजह से धातुओं उल्टा क्षय होने लगी, सबसे पहले शुक्र का हुआ, ठीक है, उसके बाद आपके मज्जा का, शुक्र का, अस्थि का, फिर मेद का, फिर मांस का, फिर रस का, तो उल्टा क्रम चल रहा है, तो वो प्रतिलोम क्षय में आ जाएगा। तो इसलिए इनको बोल रहा है कि अगर आगे अनुलोम को देखें चाहे प्रतिलोम को देखें, अल्टीमेट क्षय जो हो रहा है वो शुक्र का होता है, ठीक है, तो शुक्र की आपको रक्षा करनी चाहिए। परम एसाम फल निवृत्ति आहारस्य, ठीक है, जो फल की जो निवृत्ति जो है आपकी लास्ट में, ठीक है, वो हो क्या करती है, जो शुक्र है वो ही अल्टीमेट क्या होता है, ठीक है, वो फल फल की जो निवृत्ति होगी, फल का जो रस बनेगा आहार में, आहार का जो रस पाक होगा वो अल्टीमेट शुक्र में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए शुक्र की रक्षा करने के लिए बोला है, तो इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। देखो लिखा है, शुक्र की रक्षा करनी चाहिए और आहार की सबसे श्रेष्ठ फल संपत्ति है, आहार से अल्टीमेट बनेगा क्या, शुक्र बनेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे शुक्र की रक्षा के लिए बोला है। आगे लिखा है, देखो आहारस्य परम धामम शुक्रम रक्षस्य आत्मनम, तो ये लाइन याद रखनी है, तो आहार जो है उसका उत्तम सार क्या है, वो शुक्र है, ठीक है। तो क्षयो यस्य बहुनम, अगर इसका क्षय हो गया किसका, शुक्र का, तो रोगान मरणम निश्चयति, ठीक है, उस रोग की वजह से, क्षय की वजह से आपका मरण तक हो सकता है, ठीक है, ये निश्चय। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है, ये लाइन कहाँ की है, आपके निदान स्थान शोष निदान की। क्षय दो प्रकार का बता दिया, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था अभी, ठीक है। लास्ट में बचा आपका चौथा जो पैथोलॉजी है, वो है आपकी विषम भोजन के कारण, ठीक है, और विषम भोजन के कारण जो है, अगर आप भोजन सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पान असन भक्ष्य लेह उपयोग प्रकृति करण संयोग
उपयोग, संस्था, उपयोगिता, ये जो हैं आपके आगे विमान स्थान में पढ़ेंगे, ठीक है, आहार विधि विशेषायतन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे वहाँ, ठीक है। तो अगर इनका उपयोग आप भोजन का कर रहे हैं और जो आहार के जो विधि बताई है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको सोस होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें एक और चीज़ जैसे हमने बताया था कि सोस में या राजस्व में चरक के अकॉर्डिंग किसकी रक्षा करनी चाहिए, सुकुल की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा बोला है उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही आगे देखो, यहां बोला है कि भस्मासन होने की वजह से अल्टीमेट पेशेंट को अतिसार होगा, ठीक है, और उसका मल का निस्सरण स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें आगे वाले श्लोक में बोल रहा है कि पुरुषो उपिष्टम अर्थयति, ठीक है, पुरुष का अधिक मात्रा में निकलेगा, ठीक है। इसलिए जब पुरुष अगर मात्रा में ज़्यादा निकलता रहेगा तो वो सोस की कंडीशन में चला जाएगा, इसलिए उसे पुरुष की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने उसमें बताया था ना शुक्र की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे यहाँ पुरुष की रक्षा करने के लिए बोला, ठीक है। आगे बोल रहा है कि हितासीम अन्य मितासी यत काल भोजनम जितेंद्रिय, ठीक है, हितकारी आहार का भोजन करना चाहिए, ठीक है, और काल भोजी मतलब समय के अनुसार उसको भोजन कराना चाहिए, और इंद्रियों पे विजय प्राप्त करके इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखकर द्रव्यों का भोजन का प्रयोग करना चाहिए, और जितनी आवश्यकता हो, जैसे इसने लिखा मितासी, ठीक है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन करना चाहिए, ठीक है, समय पर भोजन करना चाहिए, अन्यथा आपको जो सोस है उसके होने की पॉसिबिलिटी होगी। राजयक्ष्मा की निरुक्ति, ता सर्व रोगाणाम कष्टतम राजयक्ष्मा सा सर्व रोगाणाम कष्टतम राजयक्ष्मा आशक्षणते, मतलब सभी रोगों में राजयक्ष्मा है वो सबसे कष्टतम है, ठीक है। और इसका लास्ट में इसका पर्याय दे रखा है सोम रोम राजस्य तस्माद राजयक्ष्मा यक्ष्मेति, ठीक है। तो इसका जो पर्याय है राजयक्ष्मा क्यों बोला है, क्योंकि सोम का राजा होने की वजह से, ठीक है, राजाओं का जो नक्षत्रों का राजा क्या है, सोम है, चंद्रमा है, ठीक है, और उसको भी ये रोग हुआ था, ठीक है, इसलिए इसे राजयक्ष्मा बोला, ठीक है। अल्टीमेट सबसे इम्पोर्टेंट है, पूर्ण रूप पर ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो तो कुछ जो है राजयक्ष्मा जो होता है शुरू में, तो वो कैसे होता है, या तो उसको जुखाम होता है या खांसी होती है, ऐसी चीज़ें लक्षण आएंगी। तो देखो प्रतिसाय, ठीक है, उसके बाद श्लेषण प्रत्यय, ठीक है, इस पर तो अभी ध्यान मत लगाइए। उसके बाद अग्निमंद तो इसमें होनी है, क्योंकि धातुओं का क्षय हो रहा है, तो इसलिए अन्ना अभिलाषम अन्न काले से आयासम, इसमें निशान अन्न काले से आयासम, इसमें निशान लगा लें। और एक मुख माधुर्य, मुख माधुर्य प्रमेय में भी था, इसमें भी, ठीक है। दोष दर्शनम दोषेशु अल्प दोषेशु, ठीक है, अगर कोई चीज़ में दोष नहीं है फिर भी उसमें दोष देखना, ठीक है। जैसे इसमें आगे लिखा है पात्र उदक अन्न सूप, मान लो पात्र में कोई गंदगी नहीं है फिर भी उसको गंदगी को देख रहा है, या अल्प मात्रा है गंदगी की ज़्यादा मात्रा में देख रहा है, ठीक है। तो ये लक्षण किस में आएंगे, राजयक्ष्मा के पूर्व रूप में आएंगे। मुख पादियो सोपम, मुख और पाद पर सोप होगा, ठीक है। पाणियो अपक्षेपणम अत्यर्थम, ठीक है, अपने जो हाथों को बार बार देखेगा वो, ठीक है, उसका प्रमाण जानने की कोशिश करेगा। अक्षणो श्वेत भाषा, आंखें कैसे हो जाएंगी, सफ़ेद हो जाएंगी उसकी, ठीक है। बाहो प्रमाणम जिज्ञासा, ठीक है, किसकी जिज्ञासा करेगा, जो अपने हाथ पैर हैं उनका उसका जो साइज है उसको देखने की कोशिश करेगा कि साइज और डायमीटर, ठीक है, बार बार में उसके प्रमाण जानने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि वो सोस की वजह से प्रतिदिन क्या हो जाए, क्षय हो रहा है उसका, ठीक है। तो हमेशा उसको अपने शरीर के बारे में ध्यान जाएगा उसका, मैं पतला हो रहा हूँ पतला हो रहा हूँ, ठीक है। स्त्री से कामता, स्त्री की कामने से कामता की इच्छा करेगा, ठीक है।
भीवस दर्शना चे आस्य काय। ठीक है, भीवस दर्शन होगा उसका शरीर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, इसलिए देखने में बहुत बेकार लगेगा। ठीक है, दर्शनम अनुदकम स्थानम शून्यानम। ठीक है, तो स्वप्न में क्या चीज देखेगा, वो ऐसे दर्शन करेगा स्वप्न में कि जो चीज जहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ना जल है ना पानी है, ठीक है, कुछ नहीं है वहाँ, ऐसी ऐसी चीजों को स्वप्न में देखेगा वो। ठीक है, और नगर निगम पदानाम शुष्क दग्धानाम भग्नानाम, मतलब और जो गांव को भी अगर स्वप्न में देखेगा तो वो कैसा देखेगा, गांव में कुछ है ही नहीं, घर भी नहीं है, ठीक है, शुष्क हो गए सब चीजें, पानी सूख गया है, ऐसी चीजों को वो देखेगा, वहाँ कोई जानवर भी नहीं है। तो अगर ऐसी चीजों को देख रहा है तो वो किसके स्वप्न, पूर्व रूप में राजेश्वर के पूर्व रूप। ठीक है, ले लास्ट में देखो, उष्ट्रम खरवराहे केश अस्ति तुषार अंगराशीनाम च अधिरोहणम इति। ठीक है, स्वप्न में ये देखेगा कि वो कुत्ता गधा इनके साथ ऐसी जगह पर चल रहा है, ठीक है, जो जाना जानी चाहिए। दूसरी बात, केश अस्थि, केश और अस्थि का कोई पहाड़ है और उस पर चढ़ता हुआ दिखाई देगा उसको, अपने आप को, ठीक है, अधिरोहण करता हुआ दिखाई देगा, ये राजचमा के पूर्व रूप। तो ये नीचे वाली लाइन आपको इम्पोर्टेंट है, इसमें निशान लगा लेना। ठीक है, ये वाली दर्शन वाली स्त्री कामिता, विवश दर्शनम अक्षुण श्वेत वासता, ठीक है, दोष दर्शनम मुखपाधियो शोकम, ये सब लक्षण आपके राजस्थान के पूर्व रूप। आगे देखो, यक्षमा के एकादश रूप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको चाहे आप यहाँ याद करो चाहे चिकित्सा वाले याद करना, याद करना है, चिकित्सा वाले याद करो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि तो शॉर्ट में है और जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, दोनों का मतलब वही है, मैं एक बार बोल रहा हूँ, देखो, कासो अंस्ताप वैश्वर्यम ज्वर पार्श्व शिरोरुजा छर्दनम रक्त कफियो श्वास वर्चो गदो अरुचि। ये जो मैंने लक्षण बोला है वो चिकित्सा स्थान का श्लोक है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कासो अंस्ताप वैश्वर्यम ज्वर पार्श्व शिरोरुजा छर्दनम रक्त कफियो श्वास वर्चो गदो अरुचि। ठीक है, तो वो सेम लक्षण वो यही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो, कास कास यहाँ भी है, कास वहाँ भी था। ठीक है, अंशताप, अंशताप यहाँ भी है, अंशताप वहाँ भी है। ठीक है, वैश्वर्यम, ठीक है, स्वरभेद बोलो चाहे वैश्वर्यम बोलो, ज्वर पार्श तो ज्वर हो गया, ठीक है, पार्श हो गया, शिरोरिजा सिरा पूर्णत्वम, छर्दनम छर्दनम रक्त कफियो। ठीक है, तो श्लेष्म छर्दन हो गया और रक्त कफियो मतलब शोणित सृष्टि बन, ये भी हो गया। ठीक है, श्वास वर्चो श्वास रोग हो गया, वर्च यानी अतिसार, और वर्चो अरुचि अरुचि, इस तरह से ये दोनों को में से किसी के श्लोक को याद कर लो जैसे आपको अच्छा लगे, तो यक्षमा के एकादश रूप बताए वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है उस, इसको याद रखना। आगे बोल रहा है, साध सता तत्र परिछीणम बलम मांसवर्धित, जिस रोगी का बल और मांस छीण हो गया है, ठीक है, बल नहीं रहा है उसमें और सभी लक्षण हैं सोस के उसमें। ठीक है, तो दो चीजें हैं, जिस व्यक्ति का बल छीण हो गया है, बलवान नहीं है वो और सोस के लक्षणों से युक्त है पूरी तरह से, तो वो तो असाध्य हो जाएगा। अब इसका विपरीत कर लो, तत्रम परिछीणम बल मांस शोणितम बलवान, ठीक है, जातम सर्वे अपि सोस लेंगे, तो जिसका बल मांस छीण नहीं हुआ है, ठीक है, बलवान है और सभी लक्षणों से युक्त नहीं है, वो क्या होगा, वो साध्य हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात इसमें लिखी हुई है। आगे देखो, जो दुर्बल है बल मांस शोणित उसका अल्प है, ठीक है, लक्षणों से युक्त है, बहुलिंगम जात अरिष्टम, अरिष्ट उसमें लक्षण उत्पन्न हो गए हैं, ठीक है, उसको असहत्वम औसत बलस्य, ठीक है, तो देखो दो चीजें हैं इसमें, एक तो उसको लक्षण दे रखे हैं कि दुर्बल है पुरुष, मांस शोण उसका छीण हो गया है, उसके लक्षण जो हैं वो क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, अरिष्ट के लक्षण आ गए हैं, तो वो व्यक्ति अगर औषधि लेगा तो वो औषधि के बल को सहन नहीं कर पाएगा,
और व्याधि का बल भी उसका बढ़ रहा है, वो उसको भी सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको परिवर्ज्य त्याग देना चाहिए, असाध्यक बोल के उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है। इस तरह से आपका ये निदान